नमस्कार दोस्तों, क्या आप इन गर्मियों में अपने रूम के लिए एक स्प्लिट एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं पर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट आपको एक स्प्लिट एयर कंडीशनर किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? इस स्प्लिट एयर कंडीशनर की कैपेसिटी कितने टन होनी चाहिए, इसके स्टार रेटिंग कितने होने चाहिए, ISER रेटिंग, फीचर्स, वारंटी, सर्विस, मतलब सभी चीजें किस तरह से सिलेक्ट करें, कौन सी ब्रांड कैसे खरीदे? तो अगर आप इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से वन बाय वन वो सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर सिलेक्ट करने से पहले कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एसी की साइज, यानी कि कैपेसिटी, कितने टन वाला एसी हमें खरीदना चाहिए। तो बेसिकली कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर की कैपेसिटी BTUs, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स में मेजर होती है। इसमें हम ज़्यादा डीप में तो बात नहीं करेंगे पर फिर भी अगर आप इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बना करके रखा है, तो उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बट एनीवेज विल बी टॉकिंग हियर अबाउट कितने साइज वाले रूम के लिए कौन सी कैपेसिटी का एसी चाहिए होगा। कंसिडरिंग स्लैब हाइट, मतलब अपने रूम की हाइट हम मतलब 10 से 12 फीट लेकर के चल सकते हैं, इसमें हम कितने बाई कितने रूम के लिए कितनी कैपेसिटी वाला एसी चाहिए होगा। तो देखिए, अगर आपका बेडरूम, हॉल, डाइनिंग कुछ भी मतलब 80 से लेकर के 120 स्क्वायर फीट तक का है एक्सक्लूडिंग फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल कबर्ड जो है तो मतलब इसमें कंसिडर नहीं होगा, तो एसी मतलब कारपेट स्पेस 80 टू 120 स्क्वायर फीट तक की है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 0.8 टू 1 टन। फिर 121 से लेकर के 160 स्क्वायर फीट तक का है आपका बेडरूम तो इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 टन टू 1.5 टन वाला एसी, ये कैपेसिटी वाला एसी चाहिए होगा। फिर 161 से लेकर के 200 स्क्वायर फीट तक का है अगर आपका रूम तो आपको चाहिए होगा एक 1.5 टू 2 टन एसी। और अगर आप 200 स्क्वायर फीट से भी बड़े रूम में ये एसी लगाना चाहते हैं तो मतलब मिनिमम 2.5 टन तो चाहिए ही होगा। एनीवेज अगर बहुत बड़ा एरिया है तो आप इसमें मल्टीपल एसीज भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थंब रूल कि बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको मतलब अपने रूम के हिसाब से कौन सा टन कितनी कैपेसिटी वाला एसी खरीदना चाहिए। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग एसी, यानी कि आपके रूम के अंदर इंसुलेशन किस तरह से बिठाया है या फिर डायरेक्ट सनलाइट क्या पड़ रही है आपके वहाँ पे, पूरा मतलब ग्लास व्यू है और उस पर सनलाइट पड़ रही है, तो मतलब ये सभी पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर वाला रूम है तो मतलब वो वैसे ही ठंडा रहता है तो मतलब उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से डिसाइड करनी होती है, और अगर टॉप फ्लोर है, अगर टॉप स्लैब जो है मतलब कंटिन्यूसली सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रहता है तो मतलब वैसे भी ये गर्म रहने वाला है, तो इस हिसाब से क्या है कि थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी वाला एसी हमें खरीदना है। तो ये हो गई बात एसी की साइज की, कैपेसिटी की। और सेकंड नंबर पे है एनर्जी एफिशिएंसी, कितना एनर्जी एफिशिएंट एसी आपको खरीदना चाहिए। सो इन इंडिया यू कैन लुक फॉर एन एयर कंडीशनर जिसमें ISER रेटिंग ज्यादा हो, यानी कि इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ये ज्यादा हो। ये रेशियो जितना बड़ा होगा उतना कम पावर कंज्यूम करेगा आपका एसी एंड अल्टीमेटली इट विल सेव योर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड योर मनी। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एसी पे स्टार रेटिंग्स दिए होते हैं, 1 star, 2 star, 3, 4, 5 जितने भी स्टार वाला एसी आप चाहो वो खरीद सकते हो, जितने ज्यादा स्टार्स उतना कम पावर कंज्यूम करेगा आपका एसी। पर देखिए, कोई भी कंपनी जब ये क्लेम करती है कि उनका एसी मतलब 5 star है या फिर 4 star है तो पर्टिकुलरली चेक देयर ISER रेटिंग ईयर, कौन से ईयर में ये ISER रेटिंग जो है वो मतलब तय किए गए, वो एक चीज आपको मतलब देखनी है। नेक्स्ट इसी टॉपिक में अगर हम बात करें कि मतलब आपको एक 3 star या फिर 5 star एसी खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एसी जो है वो 3 star और 5 star बिकते हैं मार्केट में, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 star वाला एसी जो है वो मतलब 3 star से कम पावर कंज्यूम करेगा, तो यू विल डेफिनेटली गो वुड लाइक टू गो फॉर द 5 star एसी। पर कई बार क्या होता है कि आपको अपना यूजेज देखना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पर ईयर अगर आप 500 आवर्स यूज करते हैं एसी, मतलब कंटिन्यूअस अगर आप 4 महीने के लिए एसी यूज करते हैं डेली क्या है कि 4 hours तक, तब जाकर के 500 आवर्स होते हैं, तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो एक 3 star एसी 325 यूनिट्स कंज्यूम करेगा पर ईयर, मतलब 500 आवर्स का, और एक 5 star एसी 272 यूनिट्स पर आवर, तो इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। देखिए सिर्फ 53 यूनिट्स का ही डिफरेंस रहा है पर ईयर, और पर यूनिट चार्ज अगर हम 8 rupees लेकर के चले तो ये होगा 424 rupees पर ईयर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 424 rupees का फर्क आता है एक साल में। वैसे अगर आप मतलब एसी की लाइफ 10 साल लेकर के चलते हैं तो मतलब 4,240 rupees का फर्क आएगा, तो मतलब कि इसके सामने हमें एसी की प्राइस भी कंपेयर करनी है। 3 star और 5 star एसी में मतलब अगर 15,000 का फर्क है तो हमें ये नहीं करना। आई वुड लाइक यू टू गो फॉर 3 star एसी, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मतलब अपना यूजेज कंसिडर करना चाहिए। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी, आपको इन दोनों में से कौन सा एसी खरीदना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, फिलहाल मार्केट में क्या है कि ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड की वजह से फिलहाल ज़्यादातर इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स ही बिक रहे हैं। बट एनीवेज, अगर आप चाहो तो नॉन इन्वर्टर भी खरीद सकते हो, पर बेसिकली आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए, एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर आपके रूम का टेम्परेचर जो है, मतलब कंटिन्यूसली उसका कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट रख करके उसकी स्पीड कंट्रोल करके मतलब मेंटेन रखता है। अगर आप 20 डिग्रीज पे अपना रूम टेम्परेचर सेट करते हैं तो उस हिसाब से क्या है कि आपका कंप्रेसर की स्पीड सेट हो जाएगी और कंटिन्यूसली ये कंप्रेसर स्टार्ट रहेगा। पर एक नॉन इन्वर्टर में क्या होता है कि जब आप एसी स्टार्ट करते हैं 20 डिग्रीज पे ये कंप्रेसर सेट करते हैं, एसी को सेट करते हैं, तो आपका कंप्रेसर जो है मतलब फुल एफिशिएंसी के साथ 16 या फिर 18 डिग्रीज पे वर्क करेगा, और जब ये रूम टेम्परेचर मतलब 20 पे पहुंच जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। फिर से थोड़ी देर बाद टाइमर की वजह से यह स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा। बट आई वुड लाइक यू टू गो विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। देखिए, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। इसमें आप जितना चाहे उतना परफेक्ट टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं आपके रूम में। गए वो दिन नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के। फिर हमारा पॉइंट नंबर 4 है फीचर्स। एसी के फीचर्स हमें देखने हैं। तो मतलब कि जब आप मार्केट में कोई एयर कंडीशनर खरीदने जाओगे तो आपके सामने बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है। सभी एसीज में अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि फीचर्स तो बहुत से हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्बो कूलिंग मतलब कि क्विक कूलिंग वाला फीचर होता है किसी एसी में, किसी में साइलेंट ऑपरेशन आपको मिल जाता है, मतलब क्वाइट मोड मिल जाता है। फिर कुछ में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है अब तो, मतलब कि आप कोई भी एसी जो है को फॉर एग्जाम्पल अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप या फिर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, वॉइस कमांड से आप अपना एसी ऑपरेट कर सकते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस हो सकता है। देखिए, अगर आपके एसी में कोई भी मतलब एरर आ जाती है, फॉर एग्जांपल फिल्टर क्लीनिंग रिक्वायर्ड है, गैस लीक हो चुका है, सर्विस का टाइम हो गया, तो डायरेक्टली क्या है कि ये रिमोट की या फिर मतलब एसी की स्क्रीन पे एरर दिखा देगा, जिसके बेसिस पे आप मतलब ये पता लगा पाओगे कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। फिर इसमें एचडी फिल्टर्स या फिर एंटी माइक्रोबियल फिल्टर्स दिए गए होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मतलब डस्ट माइट्स, एलर्जीज या फिर मतलब ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे नहीं होगा। फिर कुछ ऐसी इसमें मतलब फिलहाल 4-in-1, 5-in-1, 7-in-1, 8-in-1 तक मोड दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि मतलब आप अपने एसी को मतलब सिर्फ एक क्लिक करते ही मतलब ये मोड पे रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज आप सो रहे हो तो मतलब आप स्लीप मोड पे सेट कर सकते हो, अगर आप मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस मोड पे सेट कर सकते हो। इस तरह के अलग अलग 8 मोड्स दिए होते हैं या फिर 7, मतलब अलग अलग कंपनीज अलग अलग ये फीचर देती है। और बहुत से फीचर वाले एसीज अवेलेबल है मार्केट में, पर आपको ये जाल में नहीं आना। आपको सबसे पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है उसको मतलब टारगेट करना है, और इस हिसाब से कितने फीचर्स आपको रिक्वायर्ड है बेस्ड ऑन दैट आपको एसी सिलेक्ट करना है। तो ये हो गई बात एसी के फीचर्स की। नंबर 5 पे है ब्रांड। ये सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है। देखिए, कौन सी ब्रांड का एसी आपको खरीदना चाहिए। पहले क्या था कि मार्केट में आपको मतलब 4 या 5 ही ऑप्शंस अवेलेबल थे, पर फिलहाल आप जाओगे तो आपके पास मतलब 20 से 25 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। आप जितना ज़्यादा इसमें स्टडी करोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली ब्रांड्स के बारे में ही बता देता हूँ कि मतलब आपको कौन सी ब्रांड्स के साथ जाना चाहिए। टॉप ब्रांड्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो आपको तो मतलब नाम तो आपने सुना ही होगा। एक तो ओ जनरल है, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक है, पैनासोनिक, एलजी, वोल्टास। तो मतलब ये सभी एसी जो है वो आप मतलब आंख बंद करके भी खरीद सकते हो। और अगर आप कोई एक मीडियम बजट ब्रांड के साथ जाना चाहते हो तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि हायर है, सैमसंग है, गोदरेज, करियर, हिताची, ओनिडा, आईएफबी, वर्लपूल। तो ये हो गई सभी मीडियम रेंज ब्रांड्स। ये एसीज भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ये भी फीचर से भरे हुए होते हैं। इसमें भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। पर मैंने जैसा कि बताया, आपको पहली प्रायोरिटी जो है वो मतलब वो सभी ब्रांड्स को देनी है। इसके अलावा भी अगर आप कोई ब्रांड के साथ जाना चाहते हो तो यू डेफिनेटली कैन। आपको क्या है कि इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजट के बारे में। ये है हमारा नंबर 6। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितना महंगा एसी उतना अच्छा, क्योंकि कुछ लोग क्या करता है कि ओ जनरल के 5 स्टार 1.5 टन खरीद लेते हैं, चाहे उनका रूम जो है मतलब 100 स्क्वायर फीट क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं करना हमें। टनेज और स्टार रेटिंग तो मतलब आपको वो पॉइंट्स कंसीडर करके ही देखने हैं। और मतलब ये ब्रांड्स के बारे में भी हमने बात कर ली है, मतलब वो जनरल, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, वोल्टास, पैनासोनिक, ये आपको उनके साथ भी जा सकते हो, पर अगर आपका बजट ज़्यादा है तो। और अगर आपका बजट कम है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टार के साथ जाने से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो इतना ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई वुड प्रीफर कि बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स आपका बजट जो है उसके हिसाब से फिट एसी आप खरीदें। आपका पहला स्टेप, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देखिए, आपका बजट फिक्स करें और उसके हिसाब से एसी खरीदें, ना कि मतलब अच्छी ब्रांड्स के साथ जाने से मतलब ज़्यादा पैसे देने से अच्छा एसी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल टिप्स देना चाहूँगा। देखिए, कंटिन्यूएशन में
सेवेंथ नंबर पे, ये सेवेंथ नंबर पे है, गेट मल्टीपल एस्टिमेट्स। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि सेम ब्रांड, सेम कैपेसिटी, सेम ISER रेटिंग और सेम स्टार वाला एसी आपको एक डीलर जो है, एक एजेंसी हो मतलब थोड़ा महंगा देता हो और दूसरी एजेंसी जो है मतलब आपको थोड़ी सस्ती है, इसमें प्राइस का फर्क आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इसमें आपको मल्टीपल मतलब एस्टिमेट्स निकलवाने हैं। और दूसरी चीज मतलब कि एट नंबर पे है, आस्क अबाउट इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के बारे में आपको ये जानना है कि मतलब ये डीलर जो है आपको इंस्टॉल भी करके देगा या फिर मतलब कौन सी कंपनी जो है वो इसको इंस्टॉल करते करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ओ जनरल का, मित्सुबिशी का या फिर मतलब किसी भी कंपनी का एसी खरीद रहे हो, तो ऐसी कोशिश कीजिए कि उसी कंपनी का जो मतलब सर्विस मैन है, इंस्टॉलेशन मैन है, वो आए, टेक्निकल पर्सन चाहिए हमें। फिर हमारा पॉइंट नंबर 9 है, रीड रिव्यूज। हमें क्या है कि इस एसी के रिव्यूज को रीड करना है। ऑनलाइन आप मतलब किसी भी वेबसाइट पे, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कहीं पे भी इनके रिव्यूज आपको देख लेने हैं, क्योंकि कई बार यह कंपनी क्लेम करती है कि मे बी ये साइलेंट ऑपरेशन देता है, पर आप जब एसी स्टार्ट करते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि एसी बहुत आवाज़ करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कंपनी ने उसके ब्रोशर पे, वेबसाइट पे तो मेंशन किया है कि ये मे बी 25 डेसिबल या फिर 30 डेसिबल तक ही साउंड जनरेट करती है, पर जब आप ये इंडोर यूनिट को फुल कैपेसिटी के साथ रन करते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना एक्चुअल में नॉइस जनरेट करता है। इसी तरह से पावर कंजम्पशन, एयर फ्लो, ये बहुत सी चीज़ें जो है वो मतलब आपको इनकी सभी की मतलब रिव्यूज देख लेना है, उसके बाद ही एक एसी खरीदना है। फिर नंबर 10 पे है, सिलेक्ट द प्लेस वेर यू नीड टू इंस्टॉल एसी। आप कहाँ पे ये एसी जो है वो मतलब लगाना चाहते हो, कौन सी वॉल पे, क्योंकि ऐसे रैंडमली आप कहीं पे भी एसी इंस्टॉल नहीं करवा सकते। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत बड़ी है, आप कहीं पे भी ऐसे इंस्टॉल नहीं करवा सकते, इसके लिए मैंने अलग से एक पूरा वीडियो, फुल लेंथ वीडियो बना दिया है, इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद तो मतलब ये कौन सी वॉल पे एसी लगाए वो वीडियो तो आप डेफिनेटली देखें। ये है हमारा 10th पॉइंट। फिर हमारा पॉइंट नंबर 11 है, आस्क फॉर द सर्विसेज। कोई भी एजेंसी हो या फिर कोई भी मतलब ब्रांड हो तो आपको मतलब कितनी फ्री सर्विसेज देती है उसके बारे में हम जान लेना है। अगर कोई डीलर ऐसा बोलता है कि इसमें आपको ईयरली 3 सर्विस फ्री मिल जाती है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि ये वारंटी जो है वो मतलब एजेंसी की है या फिर ब्रांड की, और टाइमली आपको ये सर्विस भी करवा लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 है, नो अबाउट द वारंटीज। तो देखिए फिलहाल अच्छी कंपनियां जो है वो किस तरह की वारंटी देती है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक तो 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट, 10 ईयर्स 10 साल तक क्या है कि ये वारंटी अपने कंप्रेसर पे भी देती है, और तीसरी वारंटी एंड द सिग्निफिकेंट वारंटी वो देती है ऑन PCB। PCB पे भी अभी अच्छी कंपनियां जो है मतलब 5 साल तक की वारंटी हमें देती है, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है देखिए, क्योंकि कोई भी एसी में सबसे ज्यादा खराब हो जाने वाली चीज जो है वो PCB होती है। आपके वहां पे अगर पावर क्वालिटी अच्छी नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आता है, तो सबसे पहले PCB खराब होगा, याद रखिए। पर इसमें हाँ कुछ एयर कंडीशनर ऐसे भी होते हैं, कुछ ब्रांड ऐसे भी होती है जो कि मतलब PCB पे तो वारंटी नहीं देती, पर ये क्या है कि स्टेबिलाइजर फ्री ऑपरेशंस आपको प्रोवाइड करती है जिसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है वो ये एसी झेल पाता है, तो ये भी आपको पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। पर वारंटी की बात करें तो ये 3 वारंटी तो मिलनी ही चाहिए। एंड नंबर 13 इज सजेस्टेड मॉडल्स। तो अगर आप ये अल्टीमेटली क्लियर है कि आपको इतने ही टन का एसी चाहिए और इतने ही स्टार रेटिंग वाला एसी चाहिए, फीचर्स के साथ अगर आप मतलब क्लियर है, तो अच्छी कंपनीज के एसी जो है वो उसके मॉडल, स्पेसिफिक मॉडल्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, तो वहां जाकर के आप आंख बंद करके ये एसी खरीद सकते हो। इसमें आपको डिस्काउंट और इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।